कोई फंक्शन हो रहा है यहाँ पे? निकाह हो रहा है। किसका निकाह हो रहा है? नरमीन मैडम। आज के बाद मेरी माँ के आसपास नजर ना हो तुम। मैं समझ सकता हूँ माँ अपनी औलाद के लिए क्या मायने रखती है। नहीं मिलूंगा मैं उनसे। अफान तुम जाओ अंदर। मैं तो भूल गई थी कि मैं अब सिर्फ एक माँ हूँ। कोशिश करूंगी कि अब तुम दोनों को किसी किस्म की शिकायत ना हो मेरे से। आइंदा कोई मेरे मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगा, मुझे समझाने या डिक्टेट करने की कोशिश नहीं करेगा, समझे? मेहरू प्लीज आप मेरी वजह से अपने घर का माहौल मत खराब करें, मैं चले जाता हूँ। अपनी बकवास बंद रखो और अपनी नसीहत अपने पास रखो। तुम्हें सिर्फ इस घर से नहीं जाना, मेरी माँ की जिंदगी से भी जाना है। आज के बाद मेरी माँ के आसपास नजर ना हो तुम। मेहरू से ना मिलना ही बेहतर है, मेरा साथ उन्हें खुशी नहीं परेशानी दे रहा है। मेरा क्या, मैं तो महरूम हूँ अपनों से, वो भी अपनों से जुदा हो जाएंगी। नहीं मुझे नहीं मिलना चाहिए, कोचिंग भी छोड़ दूंगा कल से। हाँ भाई उठ जाओ, आज उठने का इरादा नहीं है? नहीं। क्या मतलब नहीं? उठो भाई, तैयार हो, क्लब नहीं जाना? छोड़ दिया मैंने क्लब। क्या मतलब नौकरी छोड़ दी? तो तेरा मसला क्या है यार, इतनी मुश्किलों से नौकरी मिली थी, दो पैसों का बंदोबस्त हुआ था और अब तू फिर बेरोजगार हो गया है और मुझ पर बोझ बनने वाला है। मिल जाएगी नौकरी, मरो मत। ओ मिल ना जाए तुमको नौकरी, असल में सुस्ती काहली और हडरामी ना तुम्हारी हड्डियों में भर गई है, इसलिए टिक के नौकरी नहीं कर पाते तुम एक जगह पर। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं तुमको यहाँ पर बिठा के नहीं खिलाऊंगा। तेरे जैसा कमीना दोस्त खुदा कभी किसी को ना दे। जी और इतना हर्ड आराम दोस्त भी ना किसी को ना दे। जा रहा हूँ मैं, कमरा साफ कर देना और किचन भी। हेलो माहिर, मैं बात कर रही हूँ तुम्हारी माँ। जी पहचान गया हूँ, वैसे हैरत है आपको मैं याद हूँ। मैं तो यकीन ही नहीं आ रहा, आपने मुझे अपने घर से काट के बल्कि मार के निकाल दिया था ना, कैसे याद आ गई इस मरे हुए बेटे की? बोल लिया जो बोलना था। बोल लिया। तुमसे मिलना है। कहाँ? मैं और जहांगीर तुमसे मिलना चाहते हैं, तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। लोकेशन में मैसेज कर दूंगी, प्लीज टाइम पे पहुंच जाना। मिल गई इजाजत अनवर साहब से। शानू अफान कहते हैं? वो तो अभी तक सो रहे हैं। और आपा? वो कहीं बाहर गई हैं। थैंक यू। नई गवर्नमेंट, नई पॉलिसी, हर चीज की कीमत बढ़ा दी है लोगों ने। हम बिजनेसमैन के लिए तो हमेशा मुसीबत रहती है। मिनाल की शादी के बाद घर बहुत खाली हो गया, अफान भी बिजी रहता है। मैं कुछ करना चाहती हूँ। हाँ ठीक है करो, गार्डनिंग कर लिया करो, या फिर वो मिसेस फरीद हैं उनके साथ मिलकर सोशल वर्क करो। नहीं मैं कुछ और करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हैं आप मेरे मिसा? दिल चाहता है पढ़ाई शुरू करूँ, कोई कोर्स, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, कुछ ऐसा।
अब ये आपकी उम्र थोड़ी है पढ़ने की, तो पोते पोतियां नवासे नवासे ये खिलाने की उम्र है आपकी। छोड़िए ये पढ़ाई बढ़ाई, ऐसा करते हैं उम्र में चलते हैं, उसके बाद दुर्दाना आपा के पास कनाडा चले जाएंगे, इस तरह आपकी आउटिंग भी हो जाएगी। क्या ख्याल है? ठीक है। आओ आओ इब्तिसाम, मेहरुन्निसा, देखो तो कौन आया है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन? अरे ये इब्तिसाम है, एहतिशाम का छोटा भाई, इसी को तो मैं एयरपोर्ट लेने गई थी, कनाडा से आया है। आई नाश्ता करें? नहीं नहीं, नाश्ता तो मैंने प्लेन में कर लिया था, सिर्फ चाय पीऊंगा। चलिए लाउंज में बैठते हैं। चलो आओ आओ इब्तिसाम। क्यों इतना सोच रहा हूँ मैं? नाहिर से मिलने तो नहीं जा रहा, बल्कि माहिर की खातिर नाहिर से मिलने जा रहा। मदीना सच कहती है, मैं नाहिर को भूल नहीं सका। खैरियत है? जी खैरियत है। ऑफिस जाने के लिए तो आप पहले कभी इतना तैयार नहीं हुए, कहाँ की तैयारी है? जरूरी काम से जा रहा हूँ। क्या जरूरी काम है, मुझे भी तो पता लगे। क्या करेंगी आप जानकर, जल्दी आ जाऊंगा मैं। वो तो मुझे पता है कि घर ही वापस आएंगे, आपका घर है और कहां जाएंगे, लेकिन अगर अपने उस मनहूस बेटे से मिलने के लिए जा रहे हैं ना, तो मेरी बात सुन ले, इस घर में उसके लिए अब कोई जगह नहीं है, सुन लिया आपने? वो यहाँ नहीं आएंगे, समझ गए आप? अब जाऊं मैं? बताया नहीं आपने अपना जरूरी काम? एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूँ, चाय पे बुलवाया हूँ, अगर आपकी तफ्तीश खत्म हो गई तो मैं जाऊँ। अपने उस पुराने दोस्त को बताइएगा कि अब आप अकेले नहीं हैं, आपकी एक अद्दत बीवी और दो बेटियां हैं, आइंदा से चाय पर बुलाए ना तो अकेले ना बुलाए। इब्तिसाम को तो मैंने बड़ा समझाया कि जब तक तुम्हारी रिहाइश का बंदोबस्त नहीं हो जाता तुम यहीं रहोगे, क्यों मेहरुन्निसा? जी बिल्कुल। इब्तिसाम तो मान ही नहीं रहा था, कह रहा था भाभी मुझे होटल ड्रॉप कर दें। मैंने कहा क्यों, मेरे भाई का घर है, होटल में क्यों रुकोगे? क्यों, ठीक किया ना मेहरुन्निसा मैंने? बिल्कुल ठीक किया। भाभी तो किसी की सुनती नहीं है, मुझे अगवा करके सीधा एयरपोर्ट से यहाँ ले आई है, हालांकि मैं इनसे कहता रहा कि बिन बुलाए मेहमान की तरह जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इन्होंने सुना ही नहीं। कोई बात नहीं इब्तिसाम भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखा मैंने कहा था ना, मेहरुन्निसा को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, बुरा तब लगता अगर तुम यहाँ रहने के बजाय होटल में रहते। आई जानो साहब का कमरा तैयार कर दो। जी ओ, हिदायत भाई का सुन के बहुत अफसोस हुआ, भाभी बहुत जिक्र करती थी। जी बस क्या कर सकते हैं, खुदा के आगे तो जोर नहीं है हमारा। हाँ ये तो है। आपके बीवी बच्चे कनाडा में होते हैं? बीवी मेरी और कहाँ, 2 साल हो गए। ओ वेरी सैड, इंतकाल हो गया? नहीं भाई, छोड़कर चली गई थी, तलाक ले ली। ये तो शुक्र है खुदा का बच्चे नहीं थे, वरना तो जिंदगी बर्बाद हो जाती उनकी भी और इब्तिसाम की भी। बहुत अफसोस हुआ। ये जो घोरियां हैं ना, उनमें हिम्मत और बर्दाश्त नहीं होती शादी और जिम्मेदारियां उठाने की। ये तो हम मशरकी औरतें हैं जो हर किस्म के मर्द के साथ गुजारा कर लेती हैं। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही आपा। अब मेरे मरहूम शौहर एहतिशाम जबान के इतने कड़वे और इतने गुस्सीले थे कि मैं क्या बताऊं, लेकिन मैंने गुजारा किया बगैर माथे पे बल लाए। मगर इब्तिसाम ऐसा नहीं, बिल्कुल मुख्तलिफ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा बेटा, मेरा शहजादा इब्तिसाम, ये हिदायत का बेटा है। कैसे हो बेटा? मैं ठीक, आप? बेटा ये इब्तिसाम अंकल है, कनाडा से आए हैं। जी
नाइस टू मीट यू। बैठो ना इनके पास। हाँ बैठो। फूफो दोस्तों के साथ मैंने जाना था, आई होप आप माइंड नहीं करेंगे। ओके। नहीं नहीं तुम जाओ, अब तो इब्तिसाम अंकल यहीं हैं, शाम को इत्मीनान से मुलाकात होगी। जी ओके बाय। अरे भाई इब्तिसाम ये चश्मा उतार दो। जी हाँ बिल्कुल। पता नहीं क्यों लगा लेता है, इसकी नजरें बिल्कुल ठीक हैं। कुछ और नहीं सिखा सके तो कम से कम वक्त की पाबंदी करना तो सिखा देते। सारी उम्मीदें मुझसे क्यों लगाई गई थी? मैं एक नाकाम बाप, नाकाम शौहर, तुम्हें कुछ नहीं सिखा सका तो बेटी को क्या सिखाना? बस तुम्हारी तंज कभी खत्म नहीं होगी और तुम्हारी शिकायतें कभी खत्म नहीं होगी। सारी जिंदगी शिकायतें तो की तुमने, मेरी गुर्बत की शिकायत, मेरी तालीम की शिकायत, मेरी काबिलियत की शिकायत, सारे नुक्स तो मुझ में थे। सबसे बड़ा नुक्स तुम्हारा दिमाग है। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या बात है, आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई, मेरे दोनों माँ बाप मेरे सामने। मेरा दिल करता है आप दोनों को अपने साथ ही रखूं, कहीं जाने ना दूं। बस कर दो, मैं बहुत जरूरी काम छोड़ के आई और मजीद तुम्हारे बाप की जली कटी बातें सुनना नहीं चाहती। मैं भी फारिग नहीं हूँ तुम्हारे तन सुनने के लिए। हाँ नहीं सही बात है, आप दोनों तो मसरूफ लोग हैं, फारिग तो मैं हूँ। आप लोग का कीमती वक्त भी ज़ाया हो रहा है, बताएं क्यों बुलाया मुझे? पूरे बाप पे गई वही तंजिया जुमले। ये बताओ तुम्हारी मिसेस हिदायतुल्लाह से क्या चक्कर चल रही है? क्या मतलब? साफ साफ पूछा है मैंने, तुम्हारा मिसेस हिदायतुल्लाह के साथ क्या चक्कर है? क्यों घूम रहे हो उस बेवा के साथ? आपको क्या मसला इसमें? माहिर अपनी माँ को सही से जवाब दो। वाह, माँ को बहुत फिक्र हो गई मेरी एकदम से। क्या ताल्लुक है तुम्हारा उस बेवा से? आप दोनों कौन होते हैं मुझसे सवाल पूछने वाले? माँ बाप हैं तुम्हारे, सवाल कर सकते हैं। सवाल करने की इजाजत उन वालदैन को होती है जो वालदैन होने का फर्ज निभाते हैं। आप लोगों को हक नहीं देता मैं ये। सुना तुमने, तुम कौन होते हो इजाजत देने या ना देने वाले? इस माशरे में तुम्हारी हैसियत सिर्फ हमारे बेटे की है। तुम्हारी कोई भी हरकत जो हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी हो हम उस पर सवाल करेंगे, समझे तुम? नहीं समझा मैं। साफ साफ बात क्यों नहीं करते माहिर? अनवर ने खुद तुम्हें उस औरत के साथ देखा है, मेरी इज्जत का कोई पास है तुम्हें क्या? माहिर तुम मेरे इकलौते बेटे हो, कभी सोचा है तुमने इस बारे में कि तुम्हारी दो बहनें हैं उनके मुस्तकबिल पे क्या असर पड़ेगा? खत्म कर दो इस ताल्लुक को वरना मेरी नस्ल खत्म हो जाएगी। अच्छा मुझे लगा आपको मेरी फिक्र है, लेकिन नहीं आपको मेरी नहीं, अभी भी अपनी फिक्र है, नस्ल की फिक्र है आपको अपनी, आपको अपने शौहर की फिक्र है और आपको नस्ल ख़त्म होने की। एक बात आप दोनों सुन लें, ये ताल्लुक नहीं ख़त्म करूँगा मैं। शादी करोगे इस औरत से? अपनी माँ की उम्र की औरत से? हाँ करूँगा शादी, और आप दोनों नहीं रोक सकते मुझे। कैसा लगा कमरा इब्तिसाम? मैं तो कह रहा हूँ कमरा क्या, पूरा घर ही बहुत अच्छा है। मेरे भाई ने बहुत मेहनत से पैसा कमाया भाई, घर इतना शानदार है, हम तो
कनाडा में छोटी छोटी डिबिया जैसे फ्लैटों में रह के ना, ये घर तो महल लग रहा है। ये महल तुम्हारा हो सकता है अगर मलका तुम्हारी हो गई तो। ओ क्या हो गया, तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ हाँ, बस वो रूटीन की दवाइयाँ ले रहा हूँ। शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट है और एंटी एलर्जी है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेहरुनिसा मुझसे शादी के लिए राजी हो जाएगी? बस मुझे लगता है कि वो मान जाएगी, मगर तुमसे शादी करने के लिए हाँ करेगी कि नहीं, इसका इन्हिसार तुम्हारी जहानत और स्मार्टनेस पर है। नहीं बस देखे ना, वो यंग है, स्मार्ट है, खुश शक्ल है, मुझसे अच्छा आदमी मिल सकता है तो फिर। हाँ मगर तुम उसको मिलोगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेहरुनिसा के सामने तुम बीमारियों और दवाइयों का जिक्र मत लेके बैठना। हाँ ठीक, बल्कि उसके सामने अपने आप को हम उम्र और फिट जाहिर करना है, ताकि वो लड़का उसके जहन से निकल जाए। लड़का? कौन लड़का? कोई नहीं, कोई नहीं। बच्चे मुझे कबूल करेंगे? मिनाल के साथ इतनी मुश्किल नहीं होगी, वो शादीशुदा है। हाँ मगर अफान को कन्विंस करना जरा मुश्किल होगा। हाँ। मगर वो मेरी बहुत मानता है। अच्छा। और तुमने भी उसके साथ दोस्ती करनी है ताकि कोई मसला ना खड़ा। अरे भाई थक गया हूँ, अभी आराम करना चाहता हूँ, फिर बाद में बात करता हूँ। अरे इब्तिसाम, आराम का वक्त नहीं है, तुम जाओ, जाके बाल टाई करवाओ, ड्राइवर के साथ जाओ और अच्छे और ब्राइट किस्म की जो है ना शर्ट्स लेकर आओ। अच्छा ठीक है। वो किस लड़के की बात कर रही थी आप? अरे अभी तो खुद जाके लड़का बनकर आ जाओ, बाद में तफसील से बात करेंगे। अच्छा ठीक है। सुन लिया तुमने क्या कहा था मैंने? इसे हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। हाँ नहीं है मुझे आप दोनों की इज्जत का ख्याल। जिन माँ बाप को अपने बच्चों की इज्जत का ख्याल नहीं होता ना, वो औलाद ही माँ बाप की इज्जत नहीं करते। क्या किया आप लोगों ने मेरे लिए? आपने शादी करके अपनी दुनिया बसा ली, आपने शादी करके अपनी जिंदगी बसा ली। आप दोनों का मेरा ख्याल था, नहीं था ना, तो अब मैं क्यों करूँ ख्याल? ना सोचो हमारे बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। अपनी उम्र से दुगनी औरत से शादी कर रहे हो तुम, क्या मिलेगा तुम्हें उससे? कुछ ना मिले, मगर वो शफकत मिल जाएगी जो आप दोनों से नहीं मिली मुझे कभी। बस खत्म, तुम्हारी सारी हरकतें, तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ करके आई थी कि तुम्हें कुछ समझा सकूं, मगर लगता है कि तुम्हारी नजर में हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। आइंदा मुझे कभी माँ ना कहना। पहले कौन सा इजाजत थी मुझे आपको माँ कहने की? और फिर असफर है ना आपके पास, आपको मेरी क्या परवाह? जाएं अपनी ममता निछावर करें उसके पास जाकर। क्यों मेरी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हो यार? अदीना को पता चला तो? अरे अबू आप फिक्र नहीं करें, आप प्लीज अपना जाएं, अपनी बीवी बच्चियों के पास जाके टाइम स्पेंड करें। आप फिक्र नहीं करें, मैं घर नहीं आऊंगा। खुदा हाफिज़। जो मुकद्दर में लिखा था वो तो हमने जी लिया है, जाम कड़वा जिंदगी ने जो पिलाया पी लिया है। अब कहानी हम लिखेंगे, एक कहानी हम लिखेंगे, हर सफे पे नाम अपना बेखुदी से लिख दिया है। तुम्हें सिर्फ इस घर से नहीं जाना, मेरी माँ की जिंदगी से भी जाना है। अपनी उम्र से दुगनी औरत से शादी कर रहे हो तुम, क्या मिलेगा तुम्हें उससे? कुछ ना मिले, मगर वो शफकत मिल जाएगी जो आप दोनों से नहीं मिली मुझे कभी। शादी करोगे इस औरत से, अपनी माँ की उम्र की औरत से? हाँ करूंगा शादी, और आप दोनों नहीं रोक सकते मुझे। ड्राइवर जी। सर यहाँ को बहुत अच्छा सा पार्लर है, मैंने बाल डाई करवाने और फेशियल करवाना है। जी जी बिल्कुल है सर, करीबी है। अच्छा, और कपड़े मुझे चाहिए बहुत ही रंगीन फूलों वाले। चलें सर मैं दिलवा देता हूँ। हाँ जी। ये मेरी बेटी मिनाल है और ये दामाद जमीर।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुशी आप लोगों से मिलके। आप कनाडा में क्या करते हैं? मैं मुख्तलिफ जॉब करता हूँ, स्टोर में भी किया है। और स्टोर तो तुम्हारे पप्पा का था। इब्साम को जॉब करना पसंद नहीं। हाँ भाई, वो बताओ ना, प्रॉपर्टी का जो बिजनेस शुरू किया हुआ है मिडिल ईस्ट में। यस, दुबई में मैं प्रॉपर्टी का काम शुरू करने लगा हूँ, ऑफिस भी ले लिया है। गुड, वैसे प्रॉपर्टी का बिजनेस तो काफी जबरदस्त है। तुम्हें लगता है बिजनेस से बहुत इंटरेस्ट है? जी, हिदायत का ऑफिस भी यही संभाल रहे हैं, बहुत काबिल बच्चा है। ओ माशाल्लाह। और अफान, तुम क्या करते हो? मैंने अभी एग्जाम्स दिए हैं, कुछ अर्सा तो रेस्ट करूंगा, उसके बाद फिर अब्बा का बिजनेस संभालूंगा। अंकल आप कब तक हैं यहाँ? मैं भाभी बताएंगे कब तक हूँ। तुम भी ना इब्तिसाम, बस बच्चे ही बने रहना। है भाई, इब्तिसाम पाकिस्तान आया हुआ है अपनी आबाई जायदाद फरोख्त करने के लिए, जब काम हो जाएगा तो चला जाएगा। बहुत सालों के बाद पाकिस्तान आया हूँ। अफान तुम मुझे घुमाओगे? वैसे भी तो तुम फारिग हो। मैं? हाँ। अरे भाई, मेरा बच्चा फारिग थोड़ा ही है जो तुम्हें कराची घुमाता फिरेगा। मैं और मेहरुन्निसा तुम्हें कराची की सैर कराएंगे। क्यों मेहरुन्निसा? जी बिल्कुल। ओ गुड गुड, वेरी गुड। आप रोटी खाएं। सिस्टर, इनको क्या हुआ था? एक्सीडेंट केस है, काफी सीरियस कंडीशन में आए थे, बाजू और पेट पे काफी चोट आई है, एंकल भी फ्रैक्चर है। सिस्टर, आपने इनके घर में इतला दी है? कहाँ इतला दूँ? फोन चेक करें, हो सकता है जेब में फोन हो। फोन तो है लेकिन लॉक लगा हुआ है। बहुत जख्मी हालत में और इनके सर पे बहुत गहरी चोट लगी है, इनके घर में बताना जरूरी है। फोन उठाओ। हेलो, कौन? हेलो यू, दिस इज बाबर, आप कौन? मैं नेशनल हॉस्पिटल से सिस्टर आसिया बात कर रही हूँ, आप किसी माहिर जहांगीर को जानते हैं? माहिर जहांगीर? हाँ, माहिर दोस्त है मेरा। जी बोले खैरियत? माहिर जहांगीर को चैरिटी की एम्बुलेंस में जख्मी हालत में यहाँ लाया गया, आप प्लीज जल्दी हॉस्पिटल आ जाएं। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। ओए बॉस को बोलना कि मैं फैमिली इमरजेंसी ले गया हूँ। ठीक है, फैमिली इमरजेंसी। यार यार, अंकल कुछ अजीब से हैं। क्यों, क्या हुआ? सुबह जब आए थे तो बाल सफेद थे, अब बाल भी काले करवा लिए, और कपड़ों की साइज तो देखो इनकी, काफी जिंदा दिल आदमी लग रहे थे। ना बीवी है ना बच्चे, लेकिन पैसे जमा करने का शौक है, खर्च करेंगे भी तो कहाँ करेंगे। छोड़ो, मेहमान है, चले जाएंगे, उनकी लाइफ है, हमें क्या। अल्लाह करे जल्दी चले जाएं। बुरी बात अफान। यार पप्पो तक तो बात समझ आती है, लेकिन अंकल किस खुशी में आगे घर में रह रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। अब ये बात पप्पो के सामने मत कहना, तुम जानते हो तुमसे कितनी मोहब्बत करती हैं। जानता हूँ, इसलिए तो चुपूँ अभी तक। खैर और सुनाओ, शहर कैसी है, क्या प्लान है शादी का? शहर ठीक। ये तो तुमने इसका फेवरेट टॉपिक छेड़ दिया। आप अकेले क्यों बैठी हैं? बस यूं ही। भाभी और बच्चे? आपा नमाज पढ़ रही हैं, बच्चे टेरेस पे हैं। मैं यहाँ आपके पास बैठ सकती? जी प्लीज। थैंक यू। हिदायत भाई के जाने के बाद तो आप अपने आप को अकेला महसूस करती होंगी। जाहिर है, बरसों का साथ था हमारा। मुझे जब लीजा छोड़कर गई तो मैं भी बहुत तन्हा हो गया था। बमुश्किल शादी तो 3 साल रही थी, लेकिन फिर भी रिश्ता खत्म होने का दुख तो होता है, तकलीफ तो होती है ना। आप हाउसवाइफ हैं या कुछ करती हैं?
हिदायत जिंदा थे तो मैं हाउसवाइफ ही थी। अब सोच रही हूँ कुछ करने का। वेरी गुड, ये तो बहुत ज़रूरी है अपने आप को मसरूफ रखना। अब मैं भी बिजनेस अपने आप को मसरूफ रखने के लिए करता हूँ। हालांकि देखे ना, अकेले आदमी को कितने पैसे चाहिए होते हैं खाने के लिए, मेरा मतलब एक दो वक्त का खाना ही होता है ना, और खाना भी इस उम्र में आके परहेज ही हो जाता है। आपके मसरूफियात, अब मैं आपको बता रहा हूँ आप बहुत बड़ी प्लेयर बन जाएंगी। ये तो अब मेरे ट्रेनर पे है ना कि मैं किस किस्म की खिलाड़ी बनूंगी। आपकी मसरूफियात? जॉगिंग करती हूँ, टेनिस का मुझे बहुत शौक है, सीख रही हूँ मैं, ड्राइविंग भी सीख रही हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है अपने आप को फिट रखने का, बिल्कुल। कब करती हैं जॉगिंग? फजर के बाद। फजर के बाद? मैं आपके साथ मेरा मतलब जॉगिंग कर सकते? श्योर, जरूर। माहे, माहे, मैम क्या हुआ इनको? इनके एक्सीडेंट हुए और बहुत गहरी चोट लगी है। वैसे आप कौन? मैं इनका दोस्त। माहिर, माहिर। रिसेप्शन में जाकर फॉर्म फिल करा दें और पैसे जमा करा दें। कौन, मैं? तो और किससे कहूँ, कौन करेगा? या फिर अगर आप इनके घर वालों को जानते हैं तो उन्हें इतला दे दें, ये रहा इनका फोन और वॉलेट। मैं इनके थंब से फोन अनलॉक कर लूँ? हाँ कर लें। इस वक्त बाप की याद सता रही है? कोई मुतालबा करना होगा या पैसे चाहिए होंगे? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं बाबर। वालेकुम अस्सलाम। कौन बाबर? मैं माहिर का दोस्त बाबर, आप कौन? अरे भाई मैं जो भी हूँ, तुम काम बताओ, क्यों फोन किया है? दरअसल माहिर का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत हालत खराब है, नेशनल अस्पताल में। मेरी जहांगीर साहब से बात कर सकती है? बात सुनो, जहांगीर ने उसे घर से निकाल दिया, अब हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, बता देना उसे। और हाँ ये भी बता देना कि नई स्कीम जो सोची है ना उसने मेरे शॉर्ट से पैसे निकलवाने की, इसमें मैं आने की नहीं हूँ। अरे अरे आंटी, मैं सच कह रहा हूँ। अरे भाई चुप करो, आइंदा यहाँ फोन नहीं करना, और ये झूठ जाकर ना उसकी माँ को सुनाओ, बहुत शौक है तो। क्या वो फोन आया सबकी? हाँ वो माहिर के दोस्त का था, कह रहा था कि माहिर को पैसे चाहिए, ये पैगाम दे रहा था। कितने बेशरम हो गई है, पैसों के लिए दोस्तों को आगे कर दिया उन्होंने। जो हरकत उन्होंने की है ना मेरे साथ, मैं फूटी कौड़ी नहीं दूंगा उनको। क्या हरकत की है माहिर ने? हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं माहिर का दोस्त बाबर। बकवास बंद करें आप, और आइंदा यहाँ फोन ना कीजिएगा, समझ गए? और माहिर को भी बता दीजिएगा कोई वास्ता नहीं है इस घर से उसका। पूछे ना क्या हरकत की है माहिर ने? कुछ नहीं, कुछ नहीं, समझ ही नहीं आती इन बाप बेटों की। इब्तिसाम, मेहरुन्निसा से क्या बात हुई? वो देखे, आपके मशवरे पर अमल कर रहा हूँ और मेहरुन्निसा के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश के बारे में पता भी तो चले। सुबह वॉक पे जाऊंगा ना उसके साथ। जल्दी उठ जाना, मुझे पता है किस कदर नींद के शौकीन हो तुम और सुस्त भी हो। भाई देखा, जब वादा किया है ना तो उठना पड़ेगा ना।
मेहरनिसा को इम्प्रेस करना है, खुद इम्प्रेस होकर ना आ जाना, उसके सामने खुद को एक्टिव और फिट जाहिर करना। सिर्फ बाल रंगने से या रंगीन कपड़े पहनने से कुछ नहीं होगा। इतने अरसे में मैं जान गई हूँ उसे क्या चीज़ मुतासर करती है। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, सो जाओ सो जाओ, शब बखैर। बात हुई तुम्हारी माहिर से? उसने मना किया कि नहीं? उससे बात करने का कोई फायदा नहीं, बहुत बदतमीज और जिद्दी इंसान है, वही करेगा जो उसका जी चाहेगा। बदतमीज और जिद्दी वो हमेशा से है, वो अब से नहीं हुआ है। उसका एक मुजरमाना माइंडसेट है, क्रिमिनल बिल्कुल। अब उससे कतई ताल्लुक करना पड़ेगा, उसका नाम तो हमारी जबान पे ना आए कभी। वो मरे या जिए, उसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं। ये तो नहीं उठा रही मैडम, उठाया करता हूं। इस वक्त माहिर की कॉल। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाबर माहिर का दोस्त बात कर रहा हूँ। दरअसल माहिर का एक्सीडेंट हो गया। क्या, कब, कहाँ पे है वो? अस्पताल में, उसकी हालत ठीक नहीं है। उसके वालदैन को फोन किया आपने? जी किया था, लेकिन वो उससे बात ही नहीं करना चाह रहे, वो तो उसकी शक्ल तक देखने को नहीं तैयार। That's very sad. मैडम मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे कैसे बात करूं, बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा वो। क्या कहना चाहते हैं आप? दरअसल मैडम मुझे थोड़ी पैसों की जरूरत थी, क्योंकि इसके इलाज का खर्चा इतना ज्यादा है और मेरे पास तो आपको पता है क्या हालत चल रहे हैं, और इसकी भी जॉब नहीं है। और ये भी, दरअसल मैंने माहिर से आपका जिक्र सुना था तो मैंने सोचा परेशानी में शायद आपको कॉल करूं, आप कुछ मदद कर दें। इस वक्त तो मेरे लिए आना मुश्किल है, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं माहिर की मदद ज़रूर करूंगी। जो भी खर्चा होगा मैं बर्दाश्त करूंगी। प्लीज़ उसके इलाज में किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा सुने, मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस टेक्स्ट कर दो, मैं कल आऊँगी माहिर को मिलने। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। आप सुबह जल्दी उठ जाती हैं? जी। मैंने तो सुना था पाकिस्तान में औरतें दोपहर को उठती हैं, हजारों उनके मुलाजमीन होते। नहीं, मैं जल्दी उठ जाती हूँ। हिदायत के साथ ने मेरी जिंदगी को बहुत डिसिप्लिन कर दिया था। मैं भी बड़ा डिसिप्लिन हूँ, बाहर रह के तो वैसे भी डिसिप्लिन हो जाता आदमी। तो वॉक करेंगे या जॉगिंग? नहीं, मैं तो 20 मिनट जॉगिंग करता हूँ और 10 मिनट वॉक। वाह, चले फिर। हाँ यस, चले। ओके यस, आ जाए। क्या हुआ इब्तिसाम? डस्ट की वजह से ना मेरा सांस फूल रहा। मगर ये एरिया और पार्क तो बहुत साफ सुथरा है, यहाँ पे तो कोई डस्ट नहीं है। माहौल चेंज हुआ ना, और वैसे मैं बड़ा हार्ड वर्किंग हुआ। अच्छा आप बैठे, पानी पिए, मैं जरा चक्कर लगा। ओके ओके ओके। ओए ओए, मेरा तो अशर हो गया है। ओए, ये खातून तो मुझे मरवा देगी, मेरा तो सांस लेना मुश्किल हो गया है। इसका तो बहुत स्टेमिना है भाई। ओह, अगर इससे शादी हो गई तो ये तो मुझे भगा भगा के मेरा तो कचूमर निकाल देगी ना। ओए ओए,
इब्तिसाम। हाँ? आप सो गए? आप ठीक है? नहीं, वो जेट लैग। चले जॉगिंग कर, चलते हैं। ओके, ओके, घर चलते हैं। मैंने तो चल आया आ। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम मेरे चंदा, जीते रहो। माँ कहाँ पर है? जानते तो हो, वॉक पर जाती है। आज इब्तिसाम भी गया है साथ। उनकी सेहत को देख के लगता है तो नहीं कभी वॉक की होगी उन्होंने। बहुत लापरवाह हो गया है ना अपनी सेहत के बारे में। मैं जो आ गई हूँ यहाँ, कोई ख्याल रखने वाला, कोई नसीहत करने वाला जो नहीं है उसके पास। तो अंकल इतने बड़े हैं, अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना चाहिए। वैसे तुम्हें कैसा लगा इब्तिसाम? बस ठीक ही है। बहुत ज़हीन और पढ़ा लिखा लड़का है वो। लड़का? पप्पू यू मस्ट बी किडिंग। अरे ये तुम्हें अपनी नजर से कह रही हूँ ना। तुम जब मिलोगे उससे और वक्त गुजारोगे उसके साथ, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना जबरदस्त बंदा है इब्तिसाम। मुझे नहीं जानना उनके बारे में पप्पू, फिलहाल तो मुझे ठरकी से बंदे लगे हैं वो। चंदा, रंगीन मिजाज और जिंदा दिल को ठरकी नहीं कहते। तुम्हें बड़ा मजा आएगा उसके साथ, बहुत दिलचस्प बातें करता है वो। सॉरी पप्पू, मुझे शहर से मिलने जाना है। वैसे अंकल वापस कब जा रहे हैं? अभी तो आया है वो, और जब काम खत्म होगा तो चला जाएगा। ओके, माँ को बता दीजिएगा कि खाने पे इंतजार मत करें मेरा। इसको संभालना मुश्किल होगा इब्तिसाम के लिए।